दक्षिण चीन सागर पर चीन को लगा खरारा झटका। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने सागर पर चीन के अधिकार को नकारा। कश्मीर हिंसा मुद्दे पर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेरने की कोशिश। मानवाधिकार उल्लंघन का मामला बताकर एनएसजी के स्थायी सदस्यों से संज्ञान लेने की अपील की। कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के बीच शामिल आतंकी पुलिस और सेना को बना रहे निशाना। हथियारों और सामानों की लूट को भी दे रहे अंजाम। चंदे के पैसों का कट्टरपंथी विचारधारा में इस्तेमाल के आरोपों से घिरे नाइक पर कसा शिकंजा। एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को अरब देशों से मिले पैसों को लेकर जांच में जुटा गृह मंत्रालय। उच्च स्तरीय बैठक में कश्मीर हिंसा की मीडिया कवरेज पर नाखुश नजर आए पीएम। कहा, जनता को बुरहान पर दर्ज मामलों को दिखाकर सच्चाई से कराएं रूबरू। अरुणाचल प्रदेश में मोदी सरकार को लगा खरारा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कलिखो पुल सरकार को असंवैधानिक बताते हुए नवाम तुकी सरकार को बहाल करने के दिए आदेश। मोदी कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामले के मंत्री नजमा हेपतुल्ला और भारी उद्योग राज्य मंत्री जीएम सिद्धेश्वरा ने दिया इस्तीफा। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी का हुआ प्रमोशन। कांग्रेस ने राज बब्बर को सौंपी यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान। प्रियंका पर भी जल्द हो सकता है फैसला। इटावा पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान। कहा, अगली सरकार में लर्निंग सीएम से असली सीएम के रूप में नजर आऊंगा। बिहार में नीतीश सरकार के शराबबंदी अभियान की निकली हवा। पार्टी के पूर्व विधायक ललन राम ने ही तोड़ा कानून। कहा, प्रशासन को रखता हूं मुट्ठी में।